अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचिज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज शहर में हमारे प्यारे भाई के दोस्त की शादी है, तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है और गांव के जो छोटे मोटे काम थे वो भी कर लिए हैं। सबसे पहले हम चल के एक पैसों वाला बहुत ही खूबसूरत सा सेहरा लेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे शादी की तरफ। सेहरे की दुकान पे अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं और हमने एक सेहरा लिया है जो कि है 15,000 रुपये का, और हमारा सेहरा तैयार हो गया है और ये वाला है। इस दुकान पे हर तरफ नोट ही नोट है और ये बहुत ही खूबसूरत सी दुकान है। तो मेरे प्यारे व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह हम शादी वाली जगह पे खैर से आ गए हैं। शाम के 7 बजे का टाइम था वलीमे का और हम परफेक्ट टाइम पे आ गए हैं। ये हाल दूसरे हाल की तरह बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। जब तक बारात आती है हम आपको ज़रा शादी हाल दिखा देते हैं। मेरी विश इस शादी हाल का नाम है। ये शादी हाल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। इस तरफ की लाइटें ऑन हैं, इस तरफ की लाइटें फिलहाल ऑफ हैं। दूल्हे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त जगह बनाई गई है। अरे सब, ये तो बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं। फिलहाल लाइट्स ऑफ हैं, कुछ ही देर बाद लाइट्स ऑन की जाएंगी। इस साइड में भी एक टेबल है और ये एक स्टेज है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त सा शाही हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह शादी पे सारे लोग घर से आ गए हैं और बस कुछ ही देर बाद आए हुए मेहमानों में अब खाना तकसीम किया जाएगा। सबसे पहले जो हमारी वाली टेबल है इस पर रोटी रख दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ताज़ा और गर्मा गर्म रोटी है। रोटी के बाद जनाब आ गया है रायता। रायते की दो किस्में होती हैं, एक रायता बनता है दही से और जो नॉर्मल वाला रहता है वो बनता है लस्सी से, मगर ये दही से बना हुआ रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त है। प्लेट में हम थोड़ा सा रायता निकाल लेंगे। रायते के फौरन बाद जनाब आ गए हैं चिकन पुलाव, और चिकन पुलाव की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। बड़े वाला जो चमचा है सबसे पहले वो हमने ले लिया है और बिस्मिल्लाह पढ़कर सबसे पहले हम अपनी प्लेट में चिकन पुलाव डालेंगे।
चिकन पुलाव के ऊपर अगर दही वाला रायता डाल दिया जाए तो चिकन पुलाव का मज़ा दुबाला हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तलब के हिसाब से अपनी प्लेट में चिकन पुलाव ले लिए हैं। हमने अपने भाई के दोस्त से पूछा तो नहीं है कि सालन में क्या है, मगर अब हमारे सामने सालन भी रख दिया गया है और ये चिकन कोरमा है। चिकन कोरमा की बहुत ही आला खुशबू आ रही है और ये मुझे लग रहा है कि ज़बरदस्त अंदाज में बना हुआ है। इस दफ़ा सबसे पहले जो हमारे साथ में भाई बैठे हैं हम उनकी प्लेट में चिकन कोरमा निकालेंगे, उसके बाद अपनी प्लेट में चिकन कोरमा डालेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि तीन किस्म के खाने होंगे। नंबर एक चिकन पुलाव तो आ गया है और चिकन कोरमा भी आ गया है। मीठे में अब पता नहीं सतरंगी चावल होंगे या तो फिर खीर होगी, वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। मगर अब हम अपनी जो प्लेट है उसमें चिकन कोरमा निकाल रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा लेग पीस है, इसे हम अपनी प्लेट में डाल लेंगे। थोड़ा और सालन भी ले लेंगे ताकि हमारी वाली प्लेट फुल हो जाए। तो मेरे प्यारे व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह रायता हमारे सामने रख दिया गया है, वो रोटी हो गई, चिकन पुलाव और चिकन कोरमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे खाने हमारी टेबल के ऊपर हैं। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला निवाला खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सायका है चिकन कोरमे का। चिकन पुलाव भी लाजवाब पका हुआ है, रायता भी ज़बरदस्त है। अब सारे लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खा रहे हैं और हमारी टेबल तो खानों से फुल हो गई है। और अब आ रहा है मीठा, देखते हैं कि मीठे में क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खीर बनी हुई है, खीर की तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। सबसे पहले हम एक खाली प्लेट लेंगे और लेंगे चम्मच। बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी वाली जो हमारी प्लेट है उसमें हम खीर निकालेंगे। ज़रा जगह कम लग रही है प्लेट की, जगह हमने एडजस्ट कर ली है और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर खीर निकालेंगे अपनी प्लेट में। खीर तो बड़ी ही ज़बरदस्त बनी हुई है, दिखने में तो ऐसे लग रहा है। अब खाएंगे, पता चलेगा कि इसका जायका कैसा है। हमारे यहाँ शादियों में मीठे के तौर पर सतरंगी चावल होते हैं या तो खीर होती है, लेकिन मुझे खीर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपनी प्लेट को फुल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाली टेबल खानों से फुल हो गई है और हर बंदा मज़े से खाना खा रहा है। मैंने तो जी भर के खाना खा लिया है, बस ज़रा अब खीर खानी है। तो मेरे प्यारे व्यूअर, ये थी भाई के दोस्त की शादी की कहानी, इस बंदा ना चीज़ की ज़बानी। वीडियो के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखरत की इज़्ज़तें और खुशियां अता करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।